प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है या साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए, इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। माननीय, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए, प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजोरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3-3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, चिरवृति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।